वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। और साथ ही नहीं, एक मिनट रुको। नहीं, फिर से। तो आप सभी प्रभु परशुराम को तो जानते ही हैं और उनके हाथ में रहता है फरसा, जिससे वो शत्रुओं का करते हैं संहार। तो आज जहां मैं आई हुई हूं, यहां पर परशुराम जी ने भी एक राजा का संहार किया था। क्यों किया था ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो कंटिन्यू लास्ट तक ब्लॉग को ज़रूर देखे रहिए और हाँ, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आएंगी और लंबे वक्त तक आपका और हमारा कनेक्शन यूं ही बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है ये। फिलहाल अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से 217 किलोमीटर दूर बदायूं जिले के सहसवान तहसील के पास बने हुए एक ऐसे धार्मिक तीर्थ स्थल पर जो अपने आप में ऐतिहासिक मान्यताओं को समेटे हुए है। क्योंकि हम इस धार्मिक स्थल पर सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे, इसलिए हमें यहाँ ज़्यादा लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। और जैसा कि हमें बताया गया था कि यहाँ पर एक स्थल ऐसा भी है जहाँ पर हर तरह के चर्म रोग की समस्याएं दूर हो जाती हैं, चाहे किसी भी तरह की फोड़ी, फुंसी, खाज, खुजली हो या कोई भी चर्म रोग हो, उस स्थान पर जाकर यदि आप नमक और झाड़ू चढ़ाते हैं तो आपकी वो चर्म रोग की समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए हम सबसे पहले उसी ओर चल दिए। तो इसी स्थान पर एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ ये कहते हैं यदि आपको कोई खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी या मस्से होते हैं तो उसके लिए आप यहाँ आकर झाड़ू और नमक चढ़ा के जाइए, तो ऐसा कहते हैं कि वो ठीक हो जाता है। और उसके लिए यहाँ पर ये एक छोटा सा देखिए आप स्थान बना हुआ है नाथ बाबा का, जहाँ नाथ बाबा विराजित हैं और यहीं पर आकर लोग झाड़ू और नमक चढ़ाकर जाते हैं जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है, जब उनकी परेशानी दूर हो जाती है। ये एक संत रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर पूजा उपासना की और तब से अब तक लोगों का कल्याण कर रहे हैं। यहाँ नाथ बाबा का दर्शन करने के बाद फिर चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए फिर हम यहीं पर पास ही में बने हुए एक छोटे से शिवालय में पहुँचे। यहाँ पर शिव परिवार विराजित था। यहाँ भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद फिर हम पहुँचे यहाँ के उस प्रमुख तीर्थ स्थल पर जहाँ बना हुआ है ये बड़ा सा कुंड। यहाँ के चारों ओर की ये खूबसूरत बनावट अपने आप में आपको आकर्षित करती है। हालांकि इस विशाल कुंड में जल स्तर कम होने की वजह से अभी जल नहीं है, लेकिन इसमें जल भराव कर दिया जाता है और बरसात के दिनों में भी यहां जल भर जाता है और तब यहां आने वाले भक्त उसमें स्नान करके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लेकिन आखिर इतना विशाल कुंड यहां बना कैसे, जल स्रोत यहां फूटा कैसे, इस सब के पीछे एक विशेष धार्मिक कहानी है। तो सहस्त्रबाहु नाम का राजा सहसवान में राज किया करता था और एक समय की बात है जब वो भगवान परशुराम के पिता जगदम्ब ऋषि के आश्रम से उनकी गाय कामधेनु को चुरा कर ले आया था और तब भगवान परशुराम यहाँ आए और उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु का वध किया और उनके किले का तहस नहस कर दिया। और आज भी सहसवान में वह स्थान है जहाँ पर उस किले को जब परशुराम भगवान ने बिल्कुल नष्ट कर दिया था, अभी वो टीला बनकर रह गया है सिर्फ उस स्थान पर और लोग वहाँ भी जाते हैं देखने के लिए उस स्थान के लिए। लेकिन फिलहाल जब वहाँ से परशुराम भगवान लौट रहे थे तब उन्हें प्यास लगी थी और चारों तरफ कहीं भी उन्हें जल नहीं मिला, तब उन्होंने इस स्थान पर आकर अपना फरसा मारा था और उस बार से यहाँ पर जल स्रोत फूट पड़े थे। ये स्थान है जहाँ पर जल भरा रहता है और लोग यहाँ आकर स्नान भी करते हैं और प्रभु का गुणगान भी करते हैं। यहीं पर सामने देखिए आप दो मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ बजरंगी बाबा का स्थान है और साथ ही लोग यहाँ आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, सतिये रख के जाते हैं, जब पूरी हो जाती है मन्नत तो गोबर के सतिये भी रख कर जाते हैं। यहीं पर भगवान भोलेनाथ का भी मंदिर है जहाँ सभी आकर अपनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत ही रमणीक स्थान माना जाता है यहाँ पर।
खास तौर से फागुन के माह में एकादशी पर यहाँ पर बहुत जोरों का मेला लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि जल स्रोत अभी कम हो गया है यहाँ पर, इसलिए फिलहाल यहाँ पर सब सूखा हुआ है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ फिर से जल भराव हो जाता है। हाँ, उस लेवल का नहीं होता जितना पहले हुआ करता था, और यही सही एक स्रोत जाता था बाहर की ओर, और यही पीछे काफ़ी बड़ी नदी, ऐसा बताते हैं बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, और उसमें केवड़े नाम का एक पुष्प भी आता था, और उसी पुष्प से इत्र बनाया जाता था। सहसवान नगरी को इत्र की नगरी भी कहा जाता था, लेकिन फिलहाल क्योंकि जल नहीं है और नदी भी पूरी तरह से अभी फिलहाल सूख चुकी है, कोई पुष्प भी नहीं आता है, तो फिलहाल तो यहाँ पर अभी इत्र नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये स्थान बहुत ही रमणीक है और दूर दूर से लोग आज भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यूं तो इस तीर्थ स्थल के विषय में मैंने बचपन से ही अपने बड़ों से कई बार सुना था, लेकिन आज यहाँ पहुँचकर यहाँ बने हुए ढेर सारे सतियों को देखकर ये यकीन हो गया कि वाकई यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं प्रभु पूरी जरूर करते हैं, चाहे वो महादेव के रूप में हो या फिर परशुराम के रूप में। अपनी कृपा यहाँ आने वाले भक्तों को वो देते ही हैं। यकीनन इस तीर्थ स्थल की सुंदर बनावट को देखने के साथ ही हम प्रभु की एक और लीला से यहाँ रूबरू हो जाते हैं। ये मंदिर तो सतयुग के जमाने का है। हाँ। परशुराम, भगवान परशुराम के जमाने का मंदिर है ये, और यहाँ मेला लगता है एकादशी का, होली से 5 दिन पहले, और इसमें 2 ट्यूबवेलों का तो जल चलता ही रहता है हमेशा, कभी कभी सूख जाता है, बाहर झील बहती है, बरसात होती है, फिर अटक मटक पानी आ जाता है। यहाँ अभी गर्मी ज्यादा है, इस वजह से वाटर लेवल कम है, पानी जल सूख गया है। सबसे ज्यादा भीड़ कब रहती है? भीड़ फागुन में सबसे ज्यादा भीड़, अब ये सावन भादों में 2 महीने ज्यादा भीड़ चलेगी। सतयुग की पौराणिक गाथा को स्वयं में समेटे हुए इस धार्मिक स्थल को एक्सप्लोर करने के बाद फिर यही द्वार पर ही बने हुए एक और माता के मंदिर में हमने प्रवेश किया और उनको नमन करके फिर यहाँ मौजूद इन बड़े बड़े सदियों पुराने वृक्षों को निहारते हुए अब समय हो गया था अपने घर वापस लौटने का, एक और एक्सप्लोर की नई दिशा की ओर मुड़ने का। तो प्रभु परशुराम को हमने नमन किया और चल दिए वापस। तो जैसा कि आज के वीडियो में आपने जाना कि कैसे परशुराम जी ने अपने फरसे से यहाँ पर वार किया था और राजा सहस्त्रबाहु का अंत किया था, कामधेनु गाय को लेकर गए थे अपने पिता के पास, और ये फरसा उनके आशीर्वाद बतौर पंडित जी है ना यहाँ पर है, और हमेशा ही यहाँ पर कृपा उनकी मिलती रहती है। फिलहाल मेरा वक्त यहाँ से जाने का हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ कंटिन्यू आती रहेंगी, तो आप उन्हें देखते रहें और अपना प्यार मुझे देते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ। हाँ, अगर कुछ आइडिया देना चाहते हैं, कहीं और एक्सप्लोर कराना चाहते हैं आप, तो आप मुझे यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मैं अपनी इंस्टा आईडी भी यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए, और DM करके आप मुझे वहाँ भी चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने मन की बात। फिलहाल जाती हूँ एक नए वीडियो और नई श्रद्धा भक्ति को साथ लेकर, फिर जल्दी से आपसे मुलाकात करने के लिए लौटूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और साथ मिलकर बोलिए बम बम बोले।